This is Khushboo with another question of area related to circles. This is question number 11 from exercise 12.2, page number 231 from NCERT. This says a car has two wipers which do not overlap. Okay, गाड़ी के wipers. ये चीज तो बच्चों को बहुत अच्छी समझ में आती है. गाड़ी के wipers एक साइड जाएंगे, एक साइड आएंगे. दो wipers हैं. तो वो कभी ओवरलैप नहीं करते. ओवरलैप नहीं करते का मतलब कभी ऐसा होता है कि दोनों के दोनों एक साथ एक के ऊपर एक आ जाएं, ऐसा कभी नहीं होता. तो दोनों एक साथ जाते हैं, एक साथ जाते हैं. ओवरलैपिंग कभी नहीं होती. Each wiper has a blade of length 25 cm. हर वाइपर कितना लंबा है? 25 cm का. एक वाइपर 25 cm का. Sweeping through an angle of 115 degree. और जब वो वाइप करते हैं इस तरह से, पहले ऐसे गया, फिर जब ऐसे आया, तो जो एंगल बनता है दैट इज 115 डिग्रीज. नाउ इट सेज, आई एम सॉरी, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ प्लेन. हर एक स्वीप पर कितना एरिया कवर होता है. सो सबसे पहले हम ये देखिए, जो हमारी गाड़ी का वाइपर है ऐसे गया, फिर जब ये ऐसे आता है तो ये कुछ एंगल बनाता है 115 डिग्रीज का. वाइपर की लेंथ भी दे दी 25 सेंटीमीटर्स. सो हमें एरिया निकालना है. तो बेसिकली ये जो एरिया कवर हो रहा है क्या है हमारा? सेक्टर. अगेन ये एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है. सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. सो अगेन अब थीटा हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में? 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, कुछ नहीं गिवन, तो वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर. रेडियस इज 25 मल्टीप्लाई बाय 25. तो यहां से कट करके 5 2s, 5 3s, 5 7s, 5 2s, 2 3s, 2 6s, 2 11s. तो यहां से हमारे वैल्यू आ गई इसकी 23 इंटू 11 इंटू 6 to 5 अपॉन 6 upon 2 multiplied by 2 = 252. सो आपके पास ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है. इन तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1581255252. दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. ये जो हमने एरिया निकाला है ये एक वाइपर का है. एक वाइपर कितना स्वीप करता है? हमें कहा था फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप. हर एक स्वाइप पर कितना एरिया क्लीन हो जाता है? तो हर एक स्वाइप पर एक ब्लेड नहीं करता काम, दोनों वाइपर्स काम करते हैं. सो हमारा एरिया क्लीन बाय टू वाइपर्स करेंगे तो 2 into 158125 by 252. सो कैंसिल करो, 2 1s, 2 2s, 2 6s. सो 158125 by 126 cm². ये आपके पास एरिया आ गया जो आपके दोनों वाइपर एक स्वीप पर से क्लीन करेंगे. Right? So this is question number 11 from exercise 12.2. किसी question में आपको doubt है, please हमें बताइए. तो space नीचे given है उसमें लिखिए. And to watch the next video for some more questions. Goodbye.